नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और भाई, कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं जाने का अपनी कैटेगरी ऐसी चुन ली है कि कहीं गए बिना वीडियो बना ही नहीं सकते। इतना कोई लंबा एक्सपीरियंस है नहीं कि उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। आज हम अपने हिमालयन को लेके जा रहे हैं। देखो कितनी गंदी हो रही है भाई, आज इसकी सर्विस भी होगी, सर्विस ड्यू चल रही है। ड्यू क्या 5000 किलोमीटर पर होती है, लेकिन 4-4.5 हज़ार किलोमीटर चली अभी। लेकिन इसका ये तो कौन सेट गया, दूसरा टाइम पूरा हो गया सर्विस का। कौन सेट की तो ऐसी प्रॉब्लम है भाई इस हिमालयन में कि ये हर 10,000 किलोमीटर पे डलता है। तीसरी बार कौन सेट डलेगा, 10,000 से कम पे हो जाते था। 20,000 की मेजर सर्विस होगी इसकी। अब कितने कॉस्ट आती है, क्या होता है, वो हम वहीं चल के वर्कशॉप में बताएंगे। और ये भैया देखो, पहचाने? मैं ही नहीं पहचान रहा हूँ। ये है अजय, तो ये अपनी हिमालयन है। सीधे चलते हैं वर्कशॉप में और वहाँ पर इसमें क्या क्या काम होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। चलो चलते हैं, सीधे मिलते हैं आपको वर्कशॉप में। हम पहुँच गए हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। 9 बजे का टाइम है, अभी बोल ही रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए रॉयल एनफील्ड शोरूम पे, जैसा आपको दिखाई दिया था। और देखो भाई, 3 मिस्त्री हैं, वो तीनों लग गए। और अपने को तो भाई स्पेशल अटेंशन भी मिलती है यहाँ पर। अपना खुद का वर्कशॉप हो, वो ऐसा लगता है ये शोरूम। भाई धर्म सिंह यादव जी ओनर हैं, बहुत ही अच्छे आदमी। और मिस्त्री नीचे जो सर्विस मैनेजर हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा, भाई राम निवास जी जो चेक सर्ट में बैठे हैं। वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई, तो कूलर चल रहा था, गर्मी थी, फैन चल रहे थे, तो आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ पाती। इसलिए भाई मनीष जी हैं, भाई ज्ञानी मिस्त्री जो अभी काम कर रहे, जो हेड मिस्त्री है वो भाई मनीष सही जो ये लगा रहे हैं। ये कोण सेट था भाई, ये कोण सेट वाले प्रॉब्लम है ना, ये तो इनफील्ड की किसी भी गाड़ी में नहीं है शायद। ये हिमालयन के साथ में दिक्कत है, मिस्त्री बताते हैं कि भाई किसी भी गाड़ी में दिक्कत नहीं है जितनी इस हिमालयन में। तीसरा कोण सेट है इस बाइक का। ये हेड मिस्त्री भाई मनीष जी लगे हुए हैं अपने काम में, भाई ज्ञानी मिस्त्री, भाई संजू मिस्त्री, भाई राम निवास कुमावत सर्विस मैनेजर, भाई सुदेश सिंह, धर्म सिंह यादव जी ओनर, भाई अशोक सैनी सेल्स मैनेजर, और भाई एक का नाम वो बताऊंगा, ये है भाई राम निवास कुमावत। इनका स्पेशल धन्यवाद, जितना कहा जाए उतना कम है भाई। हिमालयन का है ना, बड़े बड़े वर्कशॉप में भी आपको सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम बाइक है, क्यों मंगवाया कोई भी। इन्होंने भाई जब भी मेरे साथ छोटी सी दिक्कत हुई, फ़ोन किया कि भाई ये दिक्कत है, जो चीज़ वारंटी में होती है वो वारंटी में, जो वारंटी में नहीं हो बिना वारंटी के तुरंत उपलब्ध करवाते हैं, एक या दो दिन में। भाई और कहीं में होता ना, तो इस कोण सेट के लिए और ये जो फ्यूल का जो सेंसर है इसके लिए कम से कम 10 दिन लगते, भाई ने 2 दिन में उपलब्ध करवा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। इस आफ्टर सेल सर्विस की वजह से ही मैं इसी निकल में टिका हुआ हूँ। बाइक अच्छी है नो डाउट, लेकिन इनकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कई जगह शिकायतें आती है, मुझे तो भाई कोई शिकायत नहीं आई। और मैं तो पता नहीं भविष्य क्या होगा, लेकिन हिमालयन लेने का या इनफील्ड में टिके रहने का ये आफ्टर सेल सर्विस ही है। तो ये पूरी जो टीम श्री मोटर्स कोटपुतली, यदि आप यहाँ आसपास से हो तो इनकी सर्विस की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मेरे को तो आज तक नहीं मिली। और मैं जब भी जाता हूँ, मैं तो हर 5-7 दिनों वैसे ही घूमते फिरते जाता हूँ, और वैसे ही पता नहीं क्या है, जब भी छुट्टियाँ होती हैं घूमने के नाम मेरे से ज़्यादा इस बाइक को चाव रहता है कि मेरे को एक बार वर्कशॉप में ज़रूर ले चलो। पता छोटी मोटी दिक्कतें दिखाती है जान पूछिए। लॉन्ग राइड में मैं 4-4 हज़ार किलोमीटर गया हूँ गुजरात तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार ये छोटी सी पंचर हुई थी, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं हुई। ये भाई सुदेश सिंह है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉइंट पे आता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन घर पे खड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं घूमने जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जब छुट्टी पे हूँ, घर पे हूँ, तब भाई इसको एक बार अपने PR ज़रूर जाना है, एक बार इसको श्री मोटर्स में घुमा के ज़रूर लाना पड़ता है हर 3-4 दिन बाद में, कि या तो मेरे को कहीं पर घुमाने ले चलो, नहीं घुमाने ले चलो तो मेरे को PR में लगा के लाऊँ। कोई ना कोई दिक्कत दिखाती है छोटी मोटी। आफ्टर सेल सर्विस में कोई समस्या है नहीं, इसका फ्यूल सेंसर चेंज हो रहा है। अब देखते हैं कि ये मीटर में दिक्कत है, सेंसर में, एक दो दिन बाद में पता चलेगा क्या सर्विस कॉस्ट आई। ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को तो छोटा ही रखते हैं। और इतनी सस्ती सर्विस भाई, आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी सस्ती सर्विस एक हिमालयन जैसी 411 cc की बाइक की इतनी सस्ती सर्विस हो सकती है। अब ये दोस्ती समझ लीजिए, भाइयों से भाइयों का प्यार समझ लीजिए, जो भी है अपना व्यवहार समझ लीजिए भाइयों का। इनके लिए इनको स्पेशल धन्यवाद। और इतना अटेंशन देते हैं कि 3-4 घंटे तक, जब तक बाइक अपने का काम चाहे 10 मिनट का हो चाहे 10 घंटे का हो,
एक मिस्त्री तो स्पेशल, वो भी हेड मिस्त्री भाई मनीष, उसका विशेषकर वो धन्यवाद। और सारे मिस्त्री लगे रहते हैं, इनकी इसी अटेंशन की वजह से मैं यहाँ पर टिका हूँ। और एक एक काम बारीकी से, भाई रमन भाई ये चैन बिल्कुल पॉकेट हो, इसको खोल के चैन सेट के ऊपर जो कवर आता है इसको खोल के डीजल मैं अपना लाता हूँ, लेकिन इसके बाद में इतनी अटेंशन है ना भाई, नहीं देता है कोई। चार घंटे तक इस बाइक में कौन सेट, उसके बाद ये सेंसर और बाकी सफाई उपाय में, एक घंटे तक तो तीनों मिस्त्री लगे रहे भाई। जितना धन्यवाद बोलो उतना कम है। तो इसके बाद धुलाई होती है, उसके बाद में बात बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल घर जैसा फील आता है। चाहे गाड़ी धोने वाला भाई रमन हो, चाहे सर्विस मैनेजर हो, चाहे सेल्स मैनेजर भाई अशोक सैनी हो, भवानी यादव हो, ये भवानी यादव की करतूत है भाई सारी, इसी ने दिलवाई थी मेरे को बाइक की, आप खिलाए थे, मजाक वाली बात थी ना, मैं नाराज़ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसीलिए टिका हुआ हूँ आज तक इन कल में, इनकी सर्विस की वजह से। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही सुपर है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी सर्विस पोस्ट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।